हे गाइस, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे Xiaomi Redmi Note 4 में Android Oreo जो कि लाइनेज OS पे बेस्ड है वो फ्लैश कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बूटलोडर अनलॉक करने के लिए परमिशन लेंगे। उसके लिए MIUI के अप्लाई फॉर अनलॉक साइट पे जाएंगे, वहां पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करेंगे। बाद में यहाँ पे इंग्लिश करके हमारे MIUI आईडी के साथ लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एक अनलॉक योर मी डिवाइस नाम का पेज खुलेगा। यहाँ पर हमारा नाम, फोन नंबर और हम अनलॉक क्यों करना चाहते हैं ये रीजन डालेंगे। रीजन डालने के बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP डालते ही हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद विद इन 24 आवर्स हमें परमिशन मिलने का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमें MI अनलॉक टूल डाउनलोड करके उसे ओपन करना है और उसमें हमें उसी आईडी से लॉगिन करना है जिस आईडी से हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद हमें हमारा फ़ोन स्विच ऑफ करना है और उसे रिकवरी में बूट करना है। उसके लिए हमें उसे स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को होल्ड करना होगा। रिकवरी मोड में बूट करने के बाद उसे PC से कनेक्ट करना है और बाद में अनलॉक पे क्लिक करना है। मेरा फोन ऑलरेडी अनलॉक्ड है इसलिए मैं उसे वापस नहीं कर सकता। बूटलोडर अनलॉक होने के बाद हमें इसमें TWRP इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए उसकी डाउनलोड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए हमें TWRP.bat ओपन करना है। उसके बाद में रिकवरी मोड में फ़ोन कनेक्ट करके एंटर प्रेस करते जाना है। उसके बाद में हमारा फ़ोन TWRP में बूट हो जाएगा। तो हमने अभी TWRP में बूट कर लिया है। सबसे पहले तो हम इसका बैकअप लेंगे क्योंकि अगर कुछ भी इंस्टॉलेशन के वक्त रॉन्ग होता है तो हम उसे रिस्टोर कर सकें। तो सबसे पहले बैकअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिस्टम और बूट सिलेक्ट करेंगे, स्टोरेज, SD कार्ड, ओके, स्वाइप टू बैकअप। अब ये बैकअप हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बैक जाएंगे। अभी वाइप में जाएंगे, स्वाइप टू फैक्ट्री रिसेट। ये स्टेप के बाद हमारा पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। के आगे बढ़ने से पहले हमें हमारी लाइनेज OS की फाइल और GApps इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से कॉपी कर ली है। इसके बाद हमें इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, स्टोरेज सिलेक्ट करेंगे, इसमें लाइनेज 15.0, स्वाइप टू कंफर्म। अभी ये रॉम फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे रॉम कंप्लीटली फ्लैश हो गया है। अब GApps फ्लैश करेंगे। और GApps भी कंप्लीटली फ्लैश हो गया। इसके बाद हम इसे रिबूट टू सिस्टम। अब हमारा फोन लाइनेज OS पे बूट हो रहा है। Thank you.
इसे हम क्विकली सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डिवाइस सेटअप कर लिया है, तो अगर हम सेटिंग्स में जाकर देख तो यहाँ पे अबाउट फोन में हम देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 8.0.0। तो देख सकते हैं अब ऑक्टोपस भी आ गए। ये रॉम एकदम स्मूथ है, कोई भी इसमें लैगिंग इश्यू वगैरह नहीं है कुछ, और इसमें वोल्टी भी वर्किंग है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्लैशिंग के लिए जो भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स लगेगी उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।